10 रन से मैच जीता भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत बड़ी है रन के हिसाब से जीत है, और फिर टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड हैं, ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं, एक दो के ऊपर या परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है, बॉलिंग लाजवाब है, उसमें कई वेरिएशंस हैं, वैरायटीज हैं, इसी तरह से बैटिंग में जो है वो सिचुएशन को सामने रख के अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। इंडिया इज सेफ उस लिहाज से, सेमीफाइनल तो निकल गए ना, तो निकल गए। इंग्लैंड की टीम ऐसी है जो कि इनको फाइट कर सकती है और हरा सकती है सेमीफाइनल में। और टीम इंडिया ने देखिए जो रिदम पकड़ा है ना फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, और जो खास तौर पे मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जिस तरह से इंडिया ने जब कमबैक किया, तो इंडिया की टीम वहां से फिर वापस उन्होंने मुड़के नहीं देखा। तो इंडिया अफगानिस्तान से भी जीत चुका है, इंडिया जो है वो बांग्लादेश से भी जीत चुका है, तो इंडिया तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया मेरे ख्याल से। यार शेरी भाई, ऐसा लगता है कि बस चंद दिन रह गए इंडिया के वर्ल्ड T20 जीतने में, क्योंकि खेल अब नाकाबले यकीन हद तक जो है ना वो इंडिया को फेवर देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहां पकड़ के बांग्लादेश को भी, इस इंडियन साइड का क्या करना है सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, इस इंडियन टीम का करना क्या है? ट्रॉफी दे दे इनको वैसे ही, दे दो ना इनको वैसे ही ट्रॉफी। और कोई है जसप्रीत बुमराह को खेलने वाला बैट्समैन तो इस वर्ल्ड कप में मुझे निकाल के दो। और कौन है जसप्रीत बुमराह को जो खेले? और यार कम से कम जसप्रीत बुमराह को तो खेलो। दीप यादव को खिला रहे, आज डिफरेंस देख रहे थे, उसको खेल रीड ही नहीं हो रहा था, हो रहा था बहुत, वो रीड ही नहीं हो रहा था किसी से। शुरू के 3 ओवर में उसने कोई 7-8 रन दिए। उनके जो बॉक्सेस हैं, ओपनर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, ऑलराउंडर, हिटर, वो सारे बॉक्स क्लिक है अब वो। और सबसे अच्छी चीज जो है ना उनकी, रोहित जो कप्तानी कर रहा है ना सर, उसने आज भी जो बुमराह को यूज किया है ना बड़े अच्छे तरीके से, उसकी कप्तानी का बड़ा डिफरेंस अभी तक जो दिख रहा है। दोस्त है ठीक है, इंडिया जीत गया, पोजीशन भी बहुत तगड़ी हो गई, लेकिन रोहित और विराट तो नहीं चल रहे ना, अभी नहीं चले। तो लोग कहते हैं यार बाबर रिजवान नहीं चलते, इतना शोर मचा देते हैं सर, देखिए ये भी जो इतनी बड़ी जोड़ी है नहीं चली, रिजवान और बाबर नहीं चलते, लेकिन रोहित ने 11 बॉलों में 23 रन बनाए, स्ट्राइक रेट सही है, देख ले 209 का होगा शायद, देख ले। इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और वैसे इंडियन टीम कितने आसानी के साथ सेमीफाइनल में पहुंची है, छोटी छोटी टीमें, अफगानिस्तान से जीत लिया, बांग्लादेश से जीत लिया, सिर्फ एक पाकिस्तान की तगड़ी टीम मिली थी जहां पर मेरे पड़ोसी जो है वो 20 ओवर भी नहीं खेल सके थे। जय हिंद दोस्तों, इंडिया ने अपने सुपर 8 का दूसरा मुकाबला 50 रन से बड़ी आराम से जीत लिया, जहां इंडिया ने 196 रन मारे, और इस मैच के जो हीरो रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने बॉल और बैट से एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई, 50 रन बनाए बड़ी तेजी से हार्दिक पांड्या ने, जहां लग रहा था कि टीम इंडिया का एक टाइम स्कोर 170 से 180 जाएगा, वहीं 200 के करीब पहुंचा दिया हार्दिक पांड्या ने, बड़ी तेजी से बैटिंग कर थे, और जिस तरह से हिटिंग कर रहे हार्दिक पांड्या बड़ी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, और बॉल से भी बेहतरीन परफॉर्म दिखा रहे हो हार्दिक पांड्या, एक बैलेंस क्रिएट करते हैं टीम में, क्योंकि ऐसे ही इसे ऑलराउंडर नहीं कहते, बेस्ट इंडिया का ये करके भी दिखाता है, जब भी इंडियन टीम को जरूरत होती है इसकी हार्दिक पांड्या खड़ा रहता है क्रीज में। और वहीं जब बॉलिंग की बात करोगे तो यार बुमराह जैसा कोई बॉलर नहीं है, कल भी देख सकते हो 4 ओवर में 13 रन दिए उसने और 2 विकेट ले गया, भाई इसे कोई भी बैट्समैन पिक नहीं कर पा रहा, बाउंड्री तो दूर की बात है, सिंगल भी बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहा है इसकी गेंद में, और जहां कुलदीप यादव ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, 3 विकेट ले गए, और बांग्लादेश के बैट्समैन को तो समझ ही नहीं आ रही थी कुलदीप यादव की किस तरह से पिक करे, इसलिए रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव को अपने 11 में रखा है। रोहित शर्मा को पता है कि कुलदीप यादव एक मैच विनर बॉलर है, जब जब जरूरत होती है विकेट की वही कुलदीप यादव जला देते हैं विकेट। और वहीं पाकिस्तानी मीडिया की भी देख सकते हो जलन कम नहीं हो रही, जैसे जैसे इंडियन टीम जीतते जा रही है और आगे बढ़ते जा रही है सेमीफाइनल के लिए, वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी भाई कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोले जा रही है भारत की टीम के खिलाफ। ICC ने जाम की ऐसे वेन्यू रखे है भारत के, जहाँ की मदद मिले भारत की टीम को, मतलब सच में यार पाकिस्तानियों के दिमाग घुटने में ही होते हैं, कुछ भी बयान बोलते रहते हैं, मतलब इनकी टीम हार जाती है ना फिर भाई ये सारी टीम में बरस पड़ते हैं, दुआ करते हैं कि भारत कब हारे, सबसे हारे भारत ऐसी सोचते हैं, पहले सोचते थे कि अफगानिस्तान हरा दे भारत को, फिर सोच रहे कि बांग्लादेश हरा दे, भाई पाकिस्तान थोड़ी है कि हर टीम से हार जाए छोटी मोटी, भारत को हराने के लिए कम से कम तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, तब जाके भारत की टीम हारेगी। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। रोहित जो कप्तानी कर रहा है ना सर, आज भी जो बुमराह को यूज किया है ना बड़े अच्छे तरीके से, उसकी कप्तानी का बड़ा डिफरेंस अभी तक जो दिख रहा है। दोस्ती यारी को तरजीह नहीं देता वो, देखें मुल्क से बढ़ के कुछ भी नहीं है हमारा तो ये मानना, तो वो उसकी कप्तानी में अलग दिखता है, और अभी तक जितने मैचेस खेले हैं उसमें उसकी स्मार्ट कप्तानी दिखी है। सही कह रहे हैं। अच्छा, उसकी कप्तानी को सही उसके प्लेयर साबित कर रहे हैं, जिसको जहां वो खिलाता है। मिसाल है आज जो पांड्या ने बैटिंग की है IPL उसके ऊपर क्रिटिसाइज चल रहा था, मुंबई फलाना हार गई, गए फॉर्म में नहीं है फला, वो अभी उसने 2 इनिंग खेली, 1 50 किया और 1 उसने शायद 34-35 किया था वर्ल्ड कप में, मगर उसने जो बैटिंग की है ना
वो बड़ी इंपैक्टफुल बैटिंग भी और बॉलिंग टाइमली बैटिंग है और बॉलिंग भी करके दे रहा है और वो बॉलिंग में आपको यूजफुल ओवर निकाल के दे रहा है और मिड के ओवर जो फंसते हैं बेसिकली जिसपे रन बॉल कोशिश होती है फिर एक आध बाउंड्री आ जाए तो उसमें वो लेके आता है और उनको यूज करता है और वो आउट कर रहा है हर मैच में एक आध लगा हुआ है और कप्तानी इसलिए आसान रोहित शर्मा के लिए हो गई है क्योंकि उनके पास ऑप्शन बन रहा है ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं जिसकी वजह से फिर मोमेंट के हिसाब से वो चेंजेस करते हैं कुछ पहले से स्क्रिप्टेड कप्तानी नहीं उनको करनी पड़ रही है बांग्लादेश जो था उनके पास मौके थे मगर 180 से जब स्कोर ज्यादा हो गया तो फिर मुकाबला हाथ से निकल ही गया इसलिए कि इस बॉलिंग अटैक के सामने 180 प्लस करना बड़ा मुश्किल काम है और बैटिंग थोड़ी सी लटकी रही है बांग्लादेश की बांग्लादेश के भी स्टार्ट्स मिलते हैं मगर उसको फिर वो मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बनती है शांतो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली मगर मैच फिनिश नहीं किया जैसे वो प्रेजेंटेशन में कह रहे थे इसी तरह से जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स किया कोई डायरेक्शन लेस एक तरह से सारी सिचुएशन होगी क्योंकि क्वालिटी उस हिसाब से कम थी जिस हिसाब से यू नो ऑपोजिशन के खिलाफ चाहिए थी या सिचुएशन डिमांड कर रही थी सो अब बांग्लादेश के लिए आगे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया दो मैच हार गए हैं इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए इंडिया ने ये मैच 50 रन से जीत लिया है बांग्लादेश को हरा दिया है और पॉइंट टेबल देख के आपको आइडिया होगा कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है ठीक है इंडिया जीत गया पोजीशन भी बहुत तगड़ी हो गई लेकिन रोहित और विराट तो नहीं चल रहे ना अभी नहीं चले तो लोग कहते हैं यार बाबर रिजवान नहीं चलते इतना शोर मचा रहे थे सर देखिए ये भी तो इतनी बड़ी जोड़ी है नहीं चली रिजवान और बाबर नहीं चलते लेकिन रोहित ने 11 बॉलों में 23 रन बनाए स्ट्राइक रेट सही है देख लें 209 का होगा शायद देख लें वो नहीं चल रहे रन तो आज किए ना उन्होंने एक मोमेंटम तो बना के देते हैं ना 40 रन किए 39 रन बनाए एक आउट हुआ 23 रन किए 11 बॉलों पे लेकिन उन्होंने टीम एक बना के लाए हैं वो ओपनर्स नहीं आप देखिए उनके बाकी जो बैट्समैन है वो कैसे मैच लेके चल रहे हैं वो 196 भी करके पांड्या चल जाता है बुमराह तो आप देखिए हर मैच में डिफरेंट प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी है किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे यही होता है टीम वर्क तो मेरे ख्याल से इसलिए कामयाबी है नंबर वन टीम है और जहां तक आप विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात कर रहे थे उनके पास मिडिल ऑर्डर इतना स्टेबल है दो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या दो स्पिनिंग बॉलर ऑलराउंडर हैं अक्षर पटेल और रविंद्र जाडेजा यानी चार प्लेयर मजबूत उनके मिडिल ऑर्डर में दे कैन इजीली अफोर्ड इंडिया अफगानिस्तान से भी जीत चुका है इंडिया जो है वो बांग्लादेश से भी जीत चुका है तो इंडिया तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया मेरे ख्याल से यार शेरी भाई ऐसा लगता है कि बस चंद दिन रह गए इंडिया के वर्ल्ड T20 जीतने में मैं आपको सच्चाई से बताऊं कि क्रिकेट को बहुत शदीद नुकसान हो रहा है आपने इंडिया का मैच अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखा होगा अफगान बैटर्स किस अंदाज से रिप्लाई करने के लिए गए थे आज भी उन्होंने भी अपने रन रेट को 16-17 पे पहुंचा दिया था और उनकी 3 विकेट गिरे थे आज इनके भी 3 विकेट गिरे थे इन्होंने रन रेट को 16 पे पहुंचा दिया था मकसद आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं ये बड़ा एक दोनों ममालिक ने जो क्रिकेट खेली है जैसे हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था हमारे बैटर्स चांस लेने नहीं गए मारने नहीं गए तो ये क्रिकेट कौन सी हो रही है मैं एक बात बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ इंडिया का सेमीफाइनल किस वेन्यू पे होगा किस दिन होगा जब शेड्यूल बना था ना तो ये डिसाइड था क्योंकि खेल अब नाकाबले यकीन हद तक जो है ना वो इंडिया को फेवर देता हुआ दिखाई दे रहा है आपको पता है परसों जो मैच खेलेगा जो ये सुपर एट का शेड्यूल बना है इंडिया जो परसों मैच खेल रहा है वो सेंट लूशिया में खेल रहा है सेंट लूशिया वो कंडीशन है कि जो सबसे ज्यादा स्पिनिंग कंडीशन है वेस्ट इंडीज के अंदर सबसे ज्यादा गेंद टर्न लेता है यानी हमारा मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में छोटे ग्राउंड में रख दिया जाता है कि मारे जाओ गोरे आके और अपना मैच वो रखते हैं ऐसी जगह पे कि जहां पर उनको कहीं ना कहीं फेवर मिल रही हो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है बहुत मुबारक हो आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई और जिस तरीके से न्यूयॉर्क में आप उतरते हैं न्यूयॉर्क में ही जो है वो आप अपना वार्म अप खेलते हैं न्यूयॉर्क में ही आप अपना पहला मैच खेलते हैं न्यूयॉर्क में ही पाकिस्तान से मैच खेलते हैं आपकी टीमें शिकायत कर रही होती हैं कि हमारा 1.5 घंटे दूर प्रैक्टिस सेशन है कोई कह रही है हमारा होटल 2 घंटे दूर है बाकी टीमें एक तरफ इंडिया एक तरफ तो भाई ऐसी ट्रॉफी दे दो 29 तारीख को आप जो है ना तो अभी 24 जून को जो मैच है उसमें भी बहुत सारे फैसले होने हैं क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है अब तक तो ठीक है दो कमजोर नेशन से था एक तो बिल्कुल ही जा रहे बिछी हुई नेशन थी एक जो इन्होंने बेचारों ने अपनी फाइट की लेकिन डेफिनेटली इंडिया के साथ नहीं खेल पा